माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। अभी रात के 11 बजे हुए हैं और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। कपड़े उपड़े बदल के बैठी हूँ, नाइट ड्रेस पहने हुए, अभी मुंह हाथ धोने बाकी हैं। तो अभी आज कौन सा दिन था पता है? अहोई अष्टमी वाला, तो वही दिन का सब मैं तैयार हो रखी हूँ। हम लोग गए थे बाहर, शॉपिंग की थी रिलायंस में, तो बस वहीं से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। और अभी हम लोग नीचे वॉकिंग करने गए थे 10:30 बजे, फिर वहीं थोड़ा सा ऐसे सब लोग खड़े थे तो बैठे रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा था। और जस्ट नाउ मैं ऊपर आई हूँ और मैंने कपड़े चेंज किए हैं, तो अभी 11 बजने में एग्जैक्ट 5 मिनट बाकी हैं और 12 बजे से शुरू होगा मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच के रखा है, पता नहीं प्रिशा उस रूम में घुसी हुई क्या कर रही है। मेरे साथ वॉकिंग पे तो आई थी, लेकिन वॉकिंग पे जाने से पहले अपने उस वाले रूम में मुझे एंट्री नहीं करने दे रही है। मैं आगे रूम में बैठ के ही और यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रही थी जाने से पहले। मैंने ब्लॉग एंड किया था, आपसे कब बातचीत की थी मैंने, 9:30 अप्रॉक्स ब्लॉग एंड किया था, उसके बाद मैं एडिटिंग करते रही। ये लोग क्या कर रहे हैं? विवेक अभी नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो वो किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों ने क्या खिचड़ी पकाया है रियली डोंट नो। तो मिलूंगी अब मैं आपको डायरेक्ट 12 बजे। शायद ये लोग विश तो मुझे करेंगे ही, जब इतना सब कुछ 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 खिचड़ी पका रहे हैं तो विश तो जरूर करेंगे, तो वो भी आपको शो करूंगी। और उसके बाद कल का पूरा दिन, तो यानी कि चलो यहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं, रात के 12 बजे वाला धमाल जो भी होगा। फिर लेट्स बिगिन दिस बर्थडे व्लॉग, और यहां से शुरुआत हो रही है मेरे बर्थडे व्लॉग की। मतलब 12 बजे होगी अभी 1 घंटे बाद, और फिर जो जो होगा आपके साथ सब कुछ शेयर होगा, अगर केक लाए होंगे या जो भी ये लोग मुझे गिफ्ट देंगे या जो भी सरप्राइजेस की बात कर रहे थे। सो राइट देयर आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू इन दिस व्लॉग, सो बने रहना व्लॉग पे। और इसके बाद कल का दिन होगा बहुत ही अमेजिंग सा, बिकॉज मेरा बर्थडे व्लॉग है। और मैं इतनी ही मतलब एक्साइटेड नहीं हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैं एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब काम का बहुत सारा प्रेशर आ जाता है तो हम लोग काम में हमारा दिमाग लग जाता है, तो मेरा दिमाग कम्प्लीटली काम में लगा हुआ है, बिकॉज मुझे काफी सारे मेरे वीडियोज पेंडिंग है वो बनाने हैं, कुछ ब्रांड्स के कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियोस हैं वो सब बनाने हैं, और ये सारा काम मुझे कंप्लीट करना है कब तक? दिवाली के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तक। और दिवाली में तो वैसे भी हम लोग बिजी हो जाने वाले हैं, तो उस टाइम पे तो कोई वीडियो बनेगा नहीं, घर में भी देखना पड़ता है सब कुछ यार प्रोफेशन के साथ साथ। तो मुझे यही कुछ दिनों में काम कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद तो मैं कहीं जा रही हूँ वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप पक चुके होंगे, लेकिन जगह नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं 12 बजे। ज्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, आप लोग फिर बोलोगे दीदी बहुत चिट चैट करती है, और सच में मैं बहुत चिट चैट करने लगी हूँ, मुझे खुद को लग रहा है, तो सॉरी। चलिए मिलते हैं 12 बजे के करीब। ओके आई एम बैक, और अभी 12 बजने में 10 मिनट है, यानी मेरा बर्थडे शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट। लेकिन ये बंदी अभी तक उधर से निकली नहीं है, ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रही है। तो चलिए देखती हूँ कोई आता है क्या मुझे विश करने। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कोई नहीं आ रहा। विवेक और अभी टीवी देख रहे हैं, प्रिशा उसी रूम में घुसी हुई है, लगता है आज कोई विश ही नहीं करेगा। कितने बुरे हैं ना ये लोग, चलो आप लोग तो कर दो। अंदर आने देती है कि नहीं? Let's see. प्रिशा? अरे बंद हो, नहीं नहीं आ रही मैं, पर मुझे कोई विश नहीं करेगा क्या? 5 ही मिनट बचे हैं, बाकी है। तू कर क्या रही है? आओ क्या? नहीं 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 पर्दे में से झांकू? बंद कर लिया, और मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या है। एक सो गाइज ये है कार्ड, यहाँ पे आप ऐसे खोलते हो तो ये आता है, यहाँ पे खोल के कुछ है लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकती, वो मैंने मम्मा के लिखा है यहाँ पे भी, और इसके जो ये अंदर की साइड है दूसरी साइड उस पर भी लिखा है, तो वो नहीं दिखाऊंगी मैं। ये है फिर इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर पीछे है ऐसे, और गाइस ये सारे गिफ्ट्स हैं मम्मा के लिए, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये एक डायरी है, पेन है, ये मम्मा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं है, ये है एक, ये है और ये है। सो दिस इज ऑल थिंग।
चलिए काट दिया जाए, आपको दिख ही रहा होगा ना केक, अब आपको दिखाई देगा ये नीचे। तो आपके साथ साथ ये मेरा बर्थडे। Yes. हाँ। चलिए सब लोग फूंक मारेंगे। चलो आप पहले मारो। आप मारो। टाइम पे प्रिशा हो गई थी इमोशनल, वो तो वैसे भी हो जाती हूँ, मैं भी हो जाती हूँ कई बार बर्थडे पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा जब माँ बाप से अटैच होते हैं तो खुशी के आंसू निकल आते हैं कई बार आंखों से। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग किया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मैं बोलूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सरप्राइजेज मिलेंगे। यहाँ पे इसने स्टार्ट किए अपने सरप्राइजेज देने, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं जो इसने अपनी मेहनत से अपने हाथों से मेरे लिए बनाए थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज इसने अपने हाथों से बनाए थे। तो ये बात है तकरीबन 12:15 बजे की, और उसके बाद जब ये हमने मना लिया था ना बर्थडे, उसके बाद कुछ बहुत गलत हुआ मेरे साथ, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो इसने ना सबसे पहला मुझे क्या दिया है मैं आपको दिखाऊँ, अंदर आराम से बैठ के मैं पढ़ के बताऊंगी, अभी खाली मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने एक मुझे कार्ड दिया है, दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। और ये देखिए इसने मुझे ये इस पे कुछ टॉफी जैसा कुछ पैक किया, कितना प्यारा, और लिख रही है अब ये रख के भूल मत जाना, क्योंकि ये जानती है कि मैं भूल जाती हूँ चीज रख के, इसलिए भूल रही है। गिफ्ट है, खोलो। और अच्छा चलो खोल पाओ। नहीं लगते इसे, इतने सारे सरप्राइजेस मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था फैमिली इतने सरप्राइजेस देगी। यासी निकाल एक भी आ गया, और एक के बाद एक गिफ्ट की झड़ी लगी हुई है। ये लो निकाले, सही डाला। गाइस ये देखिए इसमें क्या निकला है, ये नेल फाइलर है, ये ना पीछे एक महीने में शायद 2 से 3 ले आई है, और हर बार मैंने मंगवाया और मैं कहीं ना कहीं रख के भूल जाती हूँ, भूलने की बीमारी। तो इसने ये दिया है मुझे गिफ्ट, और मुझे लिखा है मम्मी अब की बार ये रख के भूल मत जाना। ये थर्ड गिफ्ट है जिसके ऊपर लिखा है योर चाइल्डहुड मेमोरीज। ओ माय गॉड क्या है चाइल्डहुड मेमोरीज, देखने के लिए कि चाइल्डहुड मेमोरीज में इसने मुझे क्या दिया है। आई कांट वेट एनी मोर टू सी ऑल दिस। याद आया कुछ आपको, शायद आप लोगों ने भी आपके बचपन में ये खाया होगा, तो इसने मुझे ये गिफ्ट किया। वाओ यार ये तो बिल्कुल प्राइसलेस गिफ्ट है ना विवेक, इनकी कीमत नहीं है यार, ये बंदी तुसी ग्रेड हो। आ गए फिर ये फोर्थ गिफ्ट, अभी ये पढ़ना अच्छे से, ऊपर पैकेट वाला पढ़ो। फॉर ट्रेवल फ्रेंडली समथिंग स्पेशल, ये मेरा आज का फोर्थ गिफ्ट है। मेरे को पता नहीं था इतना सा आइडिया। चलो मान गए यार, मान गए सच में, ये ना मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है सच में गाइस। ये जो टॉफीज है ना, दीज आर रियली चाइल्डहुड मेमोरीज, बिकॉज हम लोग छोटे हुआ करते थे तब ये बहुत खाते थे, और इसको पता है एक बार मैंने इसे बताया था। कब लेके आई बंदी ने, याद रखा कब लेके आई, नहीं पता कब लाई, सिंधी आ गई थी। ओ थैंक यू बाबू, थैंक यू। अभी ये फोर्थ गिफ्ट है विवेक। ओह माय गॉड या आई वाज इन नीड ऑफ इट। हाँ छोटी सी ट्रेवल फ्रेंडली, अभी हम बहुत मतलब जा रहे हैं बाहर, फिर नानी के यहाँ जा रहे हैं, सो मुझे लगा ये दे दू, ट्रेवल फ्रेंडली है। कितने सारे सरप्राइजेस यार, ओ माय गॉड गाइस। आपको पता है जब लास्ट टू लास्ट ईयर का मदर्स डे था ना, लास्ट टू लास्ट ईयर का जो मदर्स डे व्लॉग था ना, इसमें इसने मुझे एक डायरी गिफ्ट की थी। लास्ट टू लास्ट ईयर बेटा 19 में दी थी डायरी, एक साल हो गया, इसने मुझे एक डायरी दी थी, वो मैं पूरा यूट्यूब का उस पर वर्क करती हूँ, और अब इसने सेकेंड टाइम मुझे दी है एक डायरी, मेरा फोर्थ गिफ्ट है आज का। yes. तो ये बहुत प्यारी डायरी मेरे लिए लेके आई हुई है, बिकॉज इसको पता है मेरा पेपर वर्क बहुत होता है, मैं जब भी कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड वीडियो करती हूँ तो स्क्रिप्टिंग वगैरह करती हूँ, मेरे वीडियोस का शेड्यूल लिखती हूँ। तो देखिए वो बड़ी डायरी है, तो ये छोटी वाली ना, ये ट्रेवल फ्रेंडली, ट्रेवल फ्रेंडली, क्योंकि अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो बोली थी मम्मा आपके पर्स में। हाँ, इस पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गया था गाइस, मुझे मैं कार्ड ही बहुत लेट बनाई थी, तो इस पे लिखा है लव यू, और मैं बोलना चाहूंगी ये तो फिफ्थ है। हाँ 1, 2, 3, 4, 5। हाँ तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि अभी आपको अभी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। हाँ आप अभी से ये चीज बार बार मांगनी पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, वाह इसके अंदर पेन है गाइस, मैं हमेशा मांगती हूँ जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है, हमेशा चिल्लाती हूँ पेन दे दो, पता नहीं पेन कहाँ रख दिया, पेन कभी नहीं मिलता मुझे। पेन गुड गिवेश, ओके ये था मेरा फिफ्थ गिफ्ट। हाँ अभी
I don't love you. अब इसे खोलो. खोलो ना अच्छे से. Oh my God. बहुत प्रिटी है ये, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. मैं आपको अंदर जाके कैमरा पे दिखाती हूँ. ओके ठीक है सर. ये मेरा आज का सिक्स्थ हुआ ना. हाँ. अभी खत्म नहीं हो रहे गिफ्ट्स. ये क्या है? नहीं इसे नहीं खोले इसका. आप इतना देख लीजिए फिर मैं आपको आराम से दिखाती हूँ. ये इसने मैच बॉक्स में बनाया हुआ है देखिए ऐसे करके. यहाँ ऊपर कौन है? प्रिशा है. और यहाँ हाँ. कौन है? ये छोटी प्रिशा. वो ऐसी हो गई. ओके इतने सारे सरप्राइजेस विवेक, आपको पता था ये सब? देखो पर ये वैसे शेयर यहाँ पे पहले पढ़ो. इट्स फॉर यू. इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. ये क्या? अंडा. वही मुझे लगा. यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड. ओ माय गॉड. स्वीटू खत्म कब होंगे गिफ्ट्स? वैसे भी लास्ट सेकंड है. ये मेरी तरफ से है. हैप्पी बर्थडे मम. ये अंदर देखो. ये मेरी तरफ से है. ये प्लीज किसी से शेयर मत करना. फ्रॉम अवी. ये अवी का गिफ्ट है गाइस. देखिए ये अवी का गिफ्ट है. हां हां ये भी और एक वैसे ही है. और ये वाली सिल्क की है अवी ने. वो भी रेड वेलवेट वाली. अवी को किसी से. और अभी गाइस ये लास्ट वाला जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने आपको कहा था और मम्मी को नहीं पता. ये क्या है? हाँ मुझे बताया. अच्छा हाँ इसने कुछ ऑर्डर किया था, ये मुझे बता रही थी. ओके सो दिस इज द लास्ट गिफ्ट फ्रॉम प्रिशा. मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने ओपन करती हूँ. वाओ इट इज अ वॉलेट एंड माय फेवरेट कलर. OMG एंड दिस इज ऑफ. ओ माय गॉड बैगेट का है ये. वाओ सी गाइस कितना ब्यूटीफुल है. और यहाँ पे लिखा है बैगेट. मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ अंदर ले जाके. अभी बहुत ही प्रीटी है यार. विवेक देखो ना, देखा है अच्छा है. आपको दिखा दिया ना उसने मुझे उसपे दिखा है. आपको ये सब भी पता था? हाँ, से बोल रहा था इसके लिए इतनी बिजी थी ये दो दिन से बिजी है गाइज. पता नहीं क्या अकेले में करती रहती थी बैठ के और मुझे नहीं आने देती थी. तो मैं जी का बर्थडे. ये कौन सा गाना है? जी का बर्थडे. चलिए गाइज मेरे को तो इतने सारे गिफ्ट मिल गए, मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ फटाफट से. चलिए आ गए हैं रूम में. ये रखे मेरे सारे के सारे गिफ्ट्स एंड आई एम सो हैप्पी. आई एम रियली लकी मदर. आई एम अ प्राउड मदर हैविंग सच अ क्यूट एंड मैंने आज ही सिटी डॉटर एंड सच अ नॉटी नॉटी कृष्ण कन्हैया वाला बेबी. तो देखिए अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ. देखते जाओ ये सबसे लास्ट वाला गिफ्ट है. इसने ये छुप के मुझसे वो किया था ऑर्डर. मुझे बोल तो रही थी कि कुछ ऑर्डर कर रही हूँ. ये एक वॉलेट है जो कि मुझे प्रिशा ने दिया है और बहुत ही प्यारा है. बैगेट कंपनी का है यार. मैं फर्स्ट टाइम बैगेट यूज़ करूँगी और इसे पता है कि मुझे ऐसे वॉलेट्स बहुत पसंद है और ये कलर भी मेरा फेवरेट है. अभी पीछे मैंने बाटा का इसी कलर का लिया था डार्क शेड में. गाइस ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे चेन खुल सकती है और ये ऐसे भी हो सकता है, ये इधर ऐसे भी आ सकता है. मेरा शोना बाबू अच्छे अच्छे लाया मम्मा के लिए. मैंने मम्मी का मन भटकाने के लिए मैंने मम्मी को ना सबसे पहले बेरी लश की एक ड्रेस भेज दी. मम्मी ने कहा मैं ले ये कुछ मत मंगाना. मैंने कहा ठीक है नहीं मंगवा रही. और मैंने ये मंगवा दिया. जो चुईत बाबू मिला जो चुईत. अच्छा और ना ये मुझे बहुत पसंद आया. हाँ ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है. मेरे बचपन की सच में यादें ताज़ा हो गई. हम जब छोटे थे ना गाइस तब ये मैं बहुत खाती थी स्कूल जाते हुए लौटते हुए. कई बार चुरा के पैसे मैंने खरीदा हुआ है ये, मम्मी पापा के पैसे चुरा के. और ये है मेरे प्यारे शी अऊ का गिफ्ट है ये. अभी से चिल्ला के मांगती थी मुझे पेन दे दो भैया, मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी है, पेन दे दो. देख रही हूँ कोट इसका. और ये है डायरी. नोट डाउन योर मेमोरीज. या तो डायरी की मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा बहुत सारा काम मेरे पेपर्स पे होता है. एक डायरी इसने मुझे मदर्स डे पे दी थी जो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया. मैं आपको भी दिखाती हूँ. ये डायरी इसने मुझे दी थी 12th May 2019 को, संडे था तब इसने दी थी, इंडियन यूट्यूबर रुचि. और ये मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ लिखा था उसी दिन, ठीक है. और ये डायरी मैं तब से लेके अब तक यूज़ कर रही हूँ. ये देखिए कितनी भर चुकी है ये.
ये मैं घर पे यूज करती हूँ, तो ये मेरे लिए ट्रैवल के लिए लाई है, बिकॉज अभी हम लोग बाहर जाएंगे या मतलब मम्मी के यहाँ जाएंगे, तो ये एक छोटू वाली डायरी है जिसपे मेरा बहुत सारा वर्क हो सकता है. एक्चुअली ना इसने ऐसे ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं ना, इतनी छोटी है अपने हाथ जितनी, तो ये पर्स में कहीं भी आ सकती है. और मम्मी मुझे पता है पर्स कैरी करती है, तो ये मम्मा के लिए बहुत प्यारा है. हाँ बहुत ही प्यारा है. और ये एक्चुअली इसने ऐसी ऐसी चीजें दी है जो सच में मुझे बहुत यूजफुल है, और मुझे इस पर बहुत हंसने आया है क्योंकि ये मैंने बहुत सारे नेल फाइलर खो दिए, मैं रख रख के भूल जाती हूँ. इस बार नहीं भूलूंगी. इसने ऐसे क्यूट लिखा था, और गाइज ये मैं आपको पढ़ के कल सुनाऊंगी तैयार होने के बाद. अभी सिर्फ आप इसे ऊपर से लुक देख लो, काफी कुछ है जो कि बहुत प्रिटी है, पढ़ के सुनाऊंगी. और ये बहुत ही प्यारे हैं. ये देखिए इसने क्या लिखा है, यू डोंट आई डोंट लव यू. आई लव योर हार्ट हेयर आईज वॉइस एंड एवरीथिंग. ओके आई गॉट इट. ओके सेकेंड वन, सेकेंड वन इज दिस. ये मैं हूँ हाथ खोल के. ये देखिए ये प्रिशा है, छोटी सी प्रिशा है ये. और यहाँ पे कौन है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर कौन है? अंदर भी प्रिशा ही है, लेकिन उसको मम्मा मिल गई इसलिए वो खुश हो गई और उसने मम्मी को कहा आई लव यू. और ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, या अंडा बना हुआ है. और अंदर क्या लिखा हुआ है जब हम ओपन करते हैं, यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड. गाइज सीरियसली मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर मैं नहीं रोऊंगी. पता है क्यों नहीं रोऊंगी? क्योंकि अगर मैं रो गई ना तो ये लड़की मुझसे डबल रोएगी. ये फिर इसके टप 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 हमें बाल्टियां भरनी पड़ेंगी, है ना. अभी सबसे प्यारा गिफ्ट तुम दोनों, एक ये रहा और एक ये बैठा. ये बैठा उसका हेयर कट कब होगा पता है गाइज? मेरे दिमाग में लेडीज रेजर भी आया था लेकिन फिर नहीं लिया. चलो गुड नाइट कर दो शोनस. गुड नाइट, कल मिलेंगे एक अच्छे से बर्थडे ब्लॉग में. या अब गुड नाइट करो शुनिया. गुड नाइट गाइस. ये इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं मेरे बाबू के लिए और मेरे अबू के लिए, मैं व्लॉग को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. मिलते हैं कल, अच्छा सा दिन स्पेंड करेंगे, अच्छा सा व्लॉग शूट करेंगे, अच्छा सा बर्थडे मनाएंगे, बहुत मजा आने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड कल के व्लॉग के लिए, माय बर्थडे व्लॉग यानी आपकी रुचि दीदी का बर्थडे व्लॉग. अभी तक कुछ भी हमारी प्लानिंग नहीं है कि हम क्या करेंगे, कल ही देखेंगे कि क्या होगा, अभी कुछ नहीं सोचा है. मेरी बर्थडे, ये दिवाली भी करेंगे, सारी तैयारियां साथ साथ करेंगे. तो बने रहिएगा कल के व्लॉग पे, कल क्या क्या करेंगे. और मुझे सच में नहीं पता था कि इतने सारे सरप्राइजेस हैं मेरे लिए. लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट से ज़्यादा प्यारे हैं ये छोटे छोटे से, इसके जो ट्रू फीलिंग्स इसने मुझे दिए हैं वो कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. उसका सेंस ऑफ थिंकिंग, ये मेरे बचपन की यादें ले आई, ये वाली टॉफ़ी जो हम सब और आप सब ने भी खाई होगी, और ये जो मैं रख के हमेशा भूल जाती हूँ, और ये डायरी जो अब से मेरे पर्स में रहेगी हमेशा. हाँ. चलिए गाइस गुड नाइट. गुड नाइट गाइस. सो गाइज ये क्लिपिंग है रात के 1:30 बजे की, 1 बजे की, और आप देख सकते हो रोड्स बिल्कुल खाली हैं. और अचानक से विवेक मुझे हॉस्पिटल लेके दौड़े हैं. ये मैं आपको अब कल के व्लॉग में बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था. बहरहाल ये रात का 1 बजा है और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं. मेरी एक छोटी सी भूल से मैं बर्थडे के दिन रात को 1 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई थी गाइज़. तो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी क्या हुआ था.